ये सवाल उस वक्त उठने लगे जब पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस के कथित मुस्लिम प्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की सोच को भी सदन के सामने रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने सदन को बताया कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कांग्रेस के किस नेता ने मुस्लिमों को गटर में रहने देने की बात कही थी? तो क्या कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम महज एक दिखावा है? मुसलमानों को लेकर कांग्रेस के एक नेता की सोच का पीएम मोदी ने संसद में खुलासा किया तो हंगामा मच गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने इंटरव्यू का यूट्यूब लिंक साझा करने तक की बात कह दी। इस इंटरव्यू के बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये दावा राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। अपने इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान ने ये भी खुलासा किया है कि कांग्रेस के किस मंत्री ने उनसे मुसलमानों के लिए ऐसा बोला था। पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पीएम और आरिफ मोहम्मद खान के इंटरव्यू को एक साथ जोड़कर ट्वीट किया है। दरअसल इसी इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद ने दावा किया था, नरसिम्हा राव जी ने खुद मुझसे कहा था कि मुसलमान हमारे वोटर हैं, हम इन्हें क्यों नाराज करें, हम इनके सामाजिक सुधारक नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी समाज सुधार का काम नहीं कर रही है, हमारा रोल समाज सुधारक का नहीं है, हम राजनीति के बिजनेस में हैं और अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। आरिफ मोहम्मद के इस इंटरव्यू को अंग्रेजी वेबसाइट ने भी छापा है। इस इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि शाबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम राजीव गांधी ने नहीं किया, बल्कि पीवी नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी जैसे मंत्रियों ने उन पर दबाव बनाकर ऐसा करवाया। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान वो नेता हैं जो तीन तलाक की मुखालत करते रहे हैं और शाहबानो केस के मसले पर उन्होंने राजीव गांधी सरकार में रहते हुए सरकार के रुख का विरोध किया था। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने साल 1986 में कांग्रेस सरकार से खुद को अलग भी कर लिया था, लेकिन मोदी के इस खुलासे ने कांग्रेस को बैकफुट पर जरूर धकेल दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।